गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एक्सरसाइज 11.2 इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. आर क्वेश्चन नंबर वन इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल. हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हमें एल कंसीडर करना है. एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल. हमें उसका पेरीमीटर की क्या करनी है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है और साइड का हमें यूज लेना है एल. साइड को हमें कंसीडर करना है एल. ओके, तो आप देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी सारी साइड क्या होती है, एल होती है, इसमें सेम होती है, इक्वल होती है. तो अगर हम बात करें लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू एल, हमने कंसिडर कर ली कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है, एल है. फाइन, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, हमें पता है 3 × साइड होता है. क्या होता है, 3 × साइड, इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड. साइड प्लस साइड प्लस साइड, इट मीन्स 3 × साइड. आप ये भी कह सकते हो एल प्लस एल प्लस एल, ये भी कह सकते हो, डजेंट मैटर. तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप देख सकते हैं 3L हमारा आंसर आएगा. ओके, L की वैल्यू आप अपने हिसाब से पुट कर दो, जो भी वैल्यूज हमें गिवन हो उनको पुट करते जाओ. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय द L. ठीक है, एक हेक्सागन है जिसकी सारी साइड क्या है, एल एल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, जो हेक्सागन होता है वो ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है और इसके अलावा सारी साइड की जो नंबर्स ऑफ साइड है वो होती है आपके एल, सॉरी 6, यानी 6 साइड का जो आपका पॉलीगन होगा उसे हम कहेंगे हेक्सागन. ओके, तो हमने कंसिडर कर लिया लेट साइड ऑफ लेट अ साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एल. एल कंसिडर करना है, हेक्सागन का शेप इस टाइप से होता है हमारे. ओके, एल 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 ऑल ऑफ ऑल आर एल. ओके, तो आप देख सकते हैं जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड. तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, इट मीन्स 6 टाइम ऑफ एल. तो आपका आंसर आएगा 6L. ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा. देन हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की. The cube is three dimensional figure shown in the adjoint figure. It has six faces hai. All the dimension are initially square. The length of cube is L. Find the formula of total length of edges of this cube. यानी हमें जितनी भी इसकी length है सारी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 3, हमारा एक क्यूब है. ओके, इस क्यूब में देखो हमें सारी साइड सिर्फ एल गिवन है. कितने गिवन है, एल. हमें एल कंसीडर करनी है, ये भी एल होगी, ये भी एल है, ये भी एल है, सारी की सारी एल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू पुट करनी है लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एल. क्या है भाई, एल है. और हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 12. कितनी है भाई, 12 है. ओके, अब हमें क्या मिलेगा, टोटल लेंथ ऑफ एज, या फिर साइड कर दो, जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम कितना होगा. देखो नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड. क्या होगा, आपके नंबर ऑफ साइड तो है 12 और लेंथ ऑफ साइड है L. तो आपका आंसर आएगा 12L. इस टाइप से हमें पेरीमीटर आपकी जितनी भी साइड्स हैं उन सबका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. देन अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ सर्कल इज अ लाइन which join two points and the at the circle
and also passes through the center of the circle adjoined and the adjoining figure AB. The diameter of the circle C is a center. तो क्या है आपके AB, तो क्या है आपके diameter है, C center है, और C से लेके P की बात करें तो वो क्या होगा आपके radius होगा. Express the diameter of circle D in the terms of radius. तो हमें ये पता होना चाहिए, first of all हमें सिर्फ इतना सा note करना है क्या कि हमें सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, the diameter of circle is 2 times of radius. ठीक है, रेडियस का क्या होता है वो डबल होता है. ओके तो हम बात करते हैं हमारे डायमीटर क्या है, ए बी है. ठीक है, डायमीटर क्या है हमारा, ए बी है. ओके तो आप देख सकते हैं ये हमारा डायमीटर है ए बी, ये हमारा सेंटर है और ये आपकी आर है. फाइन, इसको हम पी तक बढ़ा सकते हैं. देखो इस टाइप से हमने इसका क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब आप देख सकते हैं कि जो आपका ए बी है, ए बी क्या है आपके ए सी प्लस सी बी की वैल्यू के बराबर होता है. देखो ए सी भी आपका रेडियस है और सी बी भी आपका रेडियस है. ठीक है, बिकॉज ऑफ आप कहीं से भी ले लो, सेंटर से आप डायमीटर सर्कमफेरेंस पे जाते हो, सेंटर से एक सर्कमफेरेंस पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक रेडियस ही होती है. आर प्लस आर क्या हो गया आपके, टू आर. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर. देन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव इज, क्वेश्चन नंबर फाइव इज टू फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स. ठीक है, 14, 27 एंड 13. ठीक है, तीन साइड्स हैं आपके. ठीक है, 14, 27 एंड 13, इन सबका हमें सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हमें इनका सम प्लस करना है, सम फाइंड आउट करना है, यानी इनको एड करना है. तो वी में फर्स्ट 14 एंड 27 टू गेट 41, इन सबका प्लस क्या हो जाता है, 41 हो जाता है. फिर इसको हम ऐड कर देते हैं 20, वो क्या हो जाएगा आपके 41. ठीक है, देन एड इन 13, यानी इन दोनों को पहले प्लस करो फिर 13 से ऐड कर दो. ठीक है, इस टाइप से भी हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 54. और इसका सेकेंड मेथड कहता है कि आप क्या करेंगे, 27 को 13 से ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा आपके, इनको 14 से हम ऐड कर देंगे बाद में, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 41 ही होगा. तो क्या आप, क्या हम इसको एक एक्सप्रेशन में नोट डाउन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. देखो जैसे आपने देखो 14 प्लस 27 प्लस 13 का रखा है. ठीक है, और 14 प्लस ब्रैकेट में आपके देखो 27 और 13 का रखा है. तो आप क्या करो, ए की वैल्यू तो 14 ले लो, बी की वैल्यू आप 27 और सी की वैल्यू आप 13 कंसिडर कर लो, और जहां जहां आपको ये सब गिवन है वैसे वैसे नोट करते जाओ. देखो कैसे होगा, ए प्लस बी, 14 की जगह पर ए, 27 की जगह पर बी, और सी की वैल्यू है आपके 13, 13 की जगह आप सी पुट करो. ठीक है, और इसके अलावा इधर क्या हो जाएगा आपके, ए प्लस बी प्लस सी. तो ये क्या है आपके, एक एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके एडिशन में. तो इस टाइप से हम इनको सोल्व आउट कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो, एनी क्वेरी, आप जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है व्हाट्सएप पे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.